पर उन्होंने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा है कि जो राम को लाए हैं उनको जनता लाएगी। प्रज्वल रेवन्ना मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने तब कार्रवाई क्यों नहीं की, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती, ये उनका कहना था। तो प्रज्वल रेवन्ना मुद्दे पर अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तब कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की और कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बयान दिया है। अयोध्या मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर घेरने का काम अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं जनता उनको लेकर आएगी। देखिए, कल भी मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है, और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी? क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए? कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नजर क्यों आई? क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैसे उनको विदेश जाने दिया? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि कदम नहीं उठाए गए। हमने पहले दिन से कहा नारी की अस्मिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने नारी महिलाओं के प्रति अगर कोई भी अत्याचार करता है, दुराचार करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, चाहे किसी भी परिवार का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। और कांग्रेस की सरकार इसमें फेल हुई कि राज्य में सरकार होने के बावजूद मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी से और खड़गे जी से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक के राज्य से ही आते हैं, वहां उनकी अपनी कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं कदम उठाया गया गिरफ्तारी करने के? देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मोदी जी की कल्पना है, हम उसको बढ़ाते रहे। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और श्रीराम जी के आशीर्वाद से विकसित भारत का निर्माण करेंगे। जो राम जी को लाए हैं जनता उनको लाएगी।